ये बहुत ही आसान सा है और इसकी जो थियरी है आप पहले पहले पढ़ रखी है। नाउ स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं। तीन थियोरी है हमारी मुख्य रूप से, कौन कौन सी है? मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, दूसरा बताओ कुंठालाकांक्षा का परिकल्पना, तीसरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अब उन तीनों को एक एक करके हम पढ़ेंगे। नाउ लेट अस सी, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत क्या है? बेसिक इंस्टिंक्ट थ्योरी, इसको हम कहते हैं बेसिक इंस्टिंक्ट थ्योरी। ये जो सिद्धांत है ये प्रतिपादित किया था किसने? सिगमंड फ्रायड ने। किसने किया था? सिगमंड फ्रायड ने। 1927 में उन्होंने बताया कि व्यक्ति के अंदर, इंसानों के अंदर दो मुख्य प्रवृत्तियां पाई जाती है, इरोस एंड थैंटोस। इरोस जो होते हैं ईआरओएस और दूसरा है थैंटोस, टीएचएनटीओएस यानी थैंटोस। ये दो प्रवृत्तियां होती हैं। इरोस को हम कहते हैं जीवन प्रवृत्ति और थैंटोस को कहते हैं हम मृत्यु प्रवृत्ति। उन्होंने बताया था, तो ये सिगमंड फ्रायड ने बताया कि ये दो प्रवृत्तियां दो होती हैं। ये बन इन दोनों प्रवृत्तियों के अंतक्रिया से व्यक्ति के अंदर एक भावनात्मक स्थिति का जन्म होता है जिसे हम आत्मकथा कहते हैं। आप समझिए, अब आप देखेंगे कि आपको एग्जांपल ले लीजिए, आप बाइक या साइकिल आप चला रहे हैं आगे की तरफ और एक एक आपका दोस्त पीछे खींच रहा है, कैसी स्थिति होगी? There is a tension, एक तरह से स्ट्रेस हो जाएगा बीच में, वो खींच रहा है। आप रस्ता का एग्जाम्पल ले लो, कुछ लोग एक रस्ते के एक तरफ लगे कुछ एक तरफ खींच रहे, रस्ता कैसा हो जाएगा? बिल्कुल ढीला पड़ जाएगा। कैसा हो जाएगा? टाइट। There is a tension in the rope, rope पर टेंशन हो जाएगी। और वो जो टेंशन है, वो जो स्ट्रेस जो ना हमें दिख रही है, इसी प्रकार से इन दोनों लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट के बीच में जब अंतक्रिया होती है तो एक तरह से जो भावनात्मक स्थिति उत्पन्न होती है उसे ही सिगमंड फ्रायड ने आत्मकथा का नाम दिया है। समझ आ गया कोई? ये एक छोटी सी सिद्धांत, इतनी सी बात, बाकी इसको एक्सप्लेन किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार आक्रमकता मुख्य रूप से आत्मविनाश का एक मंत्र, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप पढ़ रहे हैं इसको। ये बताना चाहता है कि जो ये थैंटोस है, जो ये वृत्ति है, जो ये इंस्टिंक्ट है, यानी कि जो ये वृत्ति व्यक्ति की स्वयं को भी विनाश की ओर ले जाती है, स्वयं का विनाश करती है। अब उसके अंदर टेंडेंसी होती है इस वृत्ति के अंदर कि स्वयं का डिस्ट्रक्ट करना, विनाश करना। अब स्वयं का विनाश को नहीं करना चाहेगा, है कोई इंटरेस्टेड? कोई नहीं है ना। इस फिर क्या करते हैं? वो कहते हैं कि जो व्यक्ति के अंदर स्वयं में विनाश करने की प्रवृत्ति होती है तो उस प्रवृत्ति की ऊर्जा को दूसरों की तरफ व्यक्ति डायरेक्ट कर देता है। ठीक, मान लीजिए मधुमक्खियां आ रही आपके ऊपर, आप कहो मैं नहीं, उसने खाया से अनुवादे बाद हमारे समझते हैं तो तुरंत छूट जाएगा। डायरेक्ट करना, निर्देशित करना, तो दूसरों की तरफ व्यक्ति डायरेक्ट कर देता है। और वो डायरेक्ट करने का जो तरीका है वो क्या कहलाता है? अग्रेसन कहलाता है। आप समझ गए इसमें यही बात? ठीक, नेक्स्ट। अब देखेंगे थैंटोस जो है, जो ये एनर्जी ये वृत्ति होती है, इट इज अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित होती है। जैसे भीड़ के अंदर आप पागल सांड को छोड़ दो, अनकंट्रोल रहता हो, होता ना जी? इसी तरह से थैंटोस अनियंत्रित होती है तो आप विनाश की ओर रुख रहती है। अगर पांडे को विस्थापन के माध्यम से इसी ऊर्जा को दूसरे के प्रति आक्रमणता के रूप में इस्तेमाल किया सकता है, या पर विस्थापन कर समझते हो आपके डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल, एक बॉस ने एक अपने एम्प्लॉय को डांट दिया, एम्प्लॉय ने क्या किया? घर जाके अपने वाइफ को डांट दिया, बिल्कुल काम की कमी हो, तुम कुछ नहीं करती। वाइफ ने क्या किया? लड़के को थप्पड़ चढ़ दिया। किसको? लड़के को थप्पड़ चढ़ दिया। लड़के ने क्या किया? पत्थर उठा के कुत्ते को पैर दिया, और कुत्ते ने क्या किया? उस बॉस को जा काट लिया। बाद में शाम को घूम रहा था जिस बॉस ने उस एम्प्लॉय को डांटा था। ये देखो डिस्प्लेसमेंट, दूसरों के प्रति आपने डिस्प्लेसमेंट किया,
आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी आई हैंडोस के माध्यम से, दूसरे मैंने आपको डांट दिया, मूर्ख है तू, गधा है, बिल्कुल निपट गया, अपने मन में आएगा सर ने गधा बोल दिया, आप मारो उलाद जाते हो ऊपर, ठीक है, आपने उस पत्थर को उसके ऊपर डिस्प्लेस कर दिया, समझे आप जी, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, ठीक है। अब आप देखेंगे हमारे साहित्य में ये बताया गया है कि किसी की आलोचना करना, हमारी भाषा में उसको कहते हैं चुगली करना, चुगली करना मजा आता ना, किसी व्यक्ति द्वारा आवश्यकता
किताब में इसी डेफिनेशन दी गई है, आप जब बताइए गुमराही किसी व्यक्ति द्वारा औसतता उद्देश्यों को अभूत करने, कोई एग्जांपल मैंने इस क्लास में दिया था, मान लिया जाए आप आराम से कोले में तेजी से आ रहे हैं, लेट ना हो जाए और वो टांग रहा जाते हो, क्या हो रहा बताओ क्या हो रहा, आप गिरने गिरने बच गए या गिर गए, फिर उस और वो टांग हटा के और भाग गया, फिर देखो आपके अंदर क्या होता है, वो कुंठा आपके जो लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे उसको उसने अवरुद्ध कर दिया, ठीक है। अगर मान लिया जाए वो उसको आप वही पकड़ लेते हो दो दबा लेते हो, क्या होगा आपके अंदर गिरने के या गिरने की स्थिति से जो कुंठा उत्पन्न हुई थी वो कम हो जाएगी, और लेकिन अगर आपको ना पकड़ा जाए तो सारा दिन आप मन में जलते भूलते रहोगे, छोड़ूंगी नहीं या छोड़ूंगा नहीं, मिल जाए एक बार है ना, ये देखो किस तरह से प्रश्न ये आगे पॉइंट में आएगा, ठीक है ये एनसीईआरटी होगा। चलो नेक्स्ट, अब देखिए इसको कुंठा कब उत्पन्न होती है, मैंने पहले बताया एक तो जो आप काम करना पसंद करते हैं उसको करने से रोक दिया जाए, जैसे आपको मोबाइल गेम खेलना पसंद है, आप खेल रहे हो बार बार मम्मी कहती है कि बंद कर दे इसको, बंद कर दो तीन बार आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, यानी जो काम आप पसंद करते हो उसको रोक दिया जाए, और या जो आपको पसंद नहीं है वो आपसे करवाया जाए, है ना। अभी एग्जाम्पल सुबह दे रहे थे कि सिर्फ एग्जाम्पल है, अभी आपने घटना पड़ी हुई गुरुग्राम में एक जज की वाइफ को उसके लड़के को उसके महिपाल नाम के हेड कांस्टेबल ने गोली मार दी, जो उनका गार्ड था, आज सुबह सुबह उसके बारे में न्यूज पढ़ रहा था, तो उसने इंटरोगेशन में पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि ये लोग जो है देव राक्षस की तरह है, जज के परिवार राक्षस कैसे हो सकता है, उन्होंने पूछा उससे, स्टेटमेंट आई टाइम्स ऑफ इंडिया में आया बहुत, तो कह रहा कि ये लोग मुझसे वो काम कराते थे जो करवाने नहीं चाहिए, उन्होंने कहा ऐसे कौन से काम है, उन्होंने कहा कि कुत्ते की जो पोटी वो भी मुझे साफ कर, बात में दम है, अब जब वो काम कराते थे दूसरे काम नहीं कराते हो, इससे वो व्यक्ति किस काम के लिए गया वहां पर, गार्ड के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए गया, आप उसे कपड़े धुलवाओगे, सब्जी लगवाओगे, अपने कुत्तों को नहलवाओगे, झाड़ू पोछा कराओगे, तो क्या होगा हेड कांस्टेबल से, उसके अंदर क्या उत्पन्न होगी, कुंठा, और जब ये ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, ऊपर नाम साधु निकाले बोले इस तरह धड़ाम धड़ाम बोलो, आप जिस काम के लिए आप जा रहे हो आप सिक्योरिटी का काम होता सिक्योरिटी करा दो, लेकिन हमारे देश में ये वीआईपी जो इनकी सिक्योरिटी के लिए जाता है जनता के खर्च पे जाता है, हमें तो टैक्स लोग भरते हैं, हम लोग टैक्स भरते हैं, आप लोग टैक्स भरते हो नहीं भरते, टैक्स जमा करते हो, टैक्स देते हो कहीं, सारे ग्रुप को सारे टैक्स देते हो, मोबाइल रिचार्ज कराते हो, पेट्रोल डीजल खरीदते हो, सब पे टैक्स लगता है, आपकी जेब से पैसा निकाल के इन वीआईपी की सुरक्षा की जाती है, और वीआईपी की सुरक्षा में जो हमारे जैसे लोग जाते हैं, आप जैसे लोग किसी परिवार का तो किसी माँ का तो बेटा होगा, मेरी माँ भी वो सुरक्षा हेड कांस्टेबल पुलिस में भर्ती हुआ था कुत्ते की लैट्रिन साफ करने के लिए नहीं हुआ था, आज उसकी सुरक्षा गार्ड के लिए तो जल्द समझ लिया उसके बाप उसके बेटे ने उसकी वाइफ ने कि तुम्हारा नौकर है, और कमाल की बात देखो कि गार्ड है वो जज का है, उसको बाजार में लेके किस लिए गए, क्या ये जज की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, लेकिन नहीं हमारे देश में ये हो रहा है, जो वीआईपी है उन गार्ड को अपना नौकर समझ लेते हैं, नौकर से भी बदतर समझ लेते हैं, और उसका परिणाम आज सबके सामने, और अब ब्लेम करेंगे उस महिला को, कर दिया पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको नौकरी से निकाल दिया है ना, कि आपने जज की उसको, अरे उसकी स्थिति को देखो, आप उसकी सिचुएशन देखो, हेड कांस्टेबल है और उसे काम करवा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बात है, हमारे कंटेक्स्ट में उसका जब बता उस व्यक्ति के अंदर कुंठा उत्पन्न हो गई, क्योंकि वह ऐसा काम करने के लिए दिया गया जो काम करना नहीं चाहता था, जो उसके लेवल का नहीं था, उसने क्या किया उस कुंठा को अग्रेसिव बिहेवियर में दिखाया और बोले बात परिणाम आपके सामने सबके सामने। चलो नेक्स्ट, यह सिद्धांत बताता है कि कुंठा व्यक्ति में एक प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न करती है, क्या करती है, अराउजल, अराउजल उत्पन्न होता है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति आक्रामक व्यवहार करता है, जो एग्जाम्पल आप देख रहे हो आपके सामने ही है, जो स्वयं और लक्ष्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, और ये हानिकारक दोनों तरह से हो सकता है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, आप जब भी कभी भी आपके अंदर कुंठा उत्पन्न होती है या फ्रस्ट्रेशन या अग्रेशन होता है आपके अंदर, तो सबसे पहला नुकसान हमें स्वयं झेलना होता है, एग्रेशन एक प्रकार से जलता हुआ कोयला है, जलता हुआ को
कोयला है और आपने हाथ में लिया हुआ है और आप कह रहे हो मेरा हाथ जल रहा है ना, जलता हुआ लाल कोयला है, हाथ में पकड़ा हुआ है और उस तरह से आपने आप कह रहे हो मेरा हाथ जल रहा है, छोड़ूंगा है ना। समझ आ गई थी? सबसे पहला नुकसान एग्रेसिव बिहेवियर का या कुंठा का सबसे पहले व्यक्ति को जो करने वाला है उसको होता है, उसके बाद दूसरे को होता है। समझ इस चीज को। अब देखिए आप आगे बढ़ता है, व्यक्ति कैथारसिस की तरह होती है। कैथारसिस समझ लो क्या होता है? नहीं पढ़ा आपने? पढ़ा है आपने, सीमेंट फ्रेंड को पढ़ा होगा, ईडी को सूत्र को पढ़ा आपने, कॉन्शियसनेस से कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस पढ़ी थी। उसमें कैथारसिस को बताते हैं कि किस प्रकार कैथारसिस क्या होता है आपको।